हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम मासिक प्रगति रिपोर्ट यानी कि MPR भरना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, MPR बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि आप एक बार भी आपकी जानकारी आंकड़े सुरक्षित कर दोगे तो आप दोबारा उसे सुधार नहीं पाओगे। इसलिए आपको पूरा MPR सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी आपको भरनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप संपर्क ऐप्स ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, मासिक प्रगति रिपोर्ट। आप मासिक प्रगति रिपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ से आप माह सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस माह का MPR भरना चाहते हो। आप यहाँ ध्यान रखिएगा और सावधानी रखिएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान से किस माह का भर रहे हैं पूरी जानकारी आप सावधानी से भरिएगा। आप माह सिलेक्ट कर लीजिएगा। माह सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इस माह में दर्ज हितग्राहियों की संख्या, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पहले आपको हितग्राहियों की संख्या दर्ज करनी है फ्रेंड्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हितग्राहियों की संख्या सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गर्भवती महिलाओं की जानकारी दर्ज करनी है। अब देखिए, महा में अनुसूचित जनजाति की, सिर्फ यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति की, तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति की ही लिखना है, आपको ध्यान यह बात रखनी है। ओके, ST की, यहाँ पर ST की कुल गर्भवती महिलाएं कितनी है सितंबर माह की, यहाँ पर उनकी संख्या दर्ज करनी है फ्रेंड्स, उनकी संख्या दर्ज कर देनी है। यहाँ पर देखिए, धात्रिक माताएं सितंबर माह तक की कितनी है, यहाँ पर उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों की जानकारी देना है, बालक बालिकाएँ दोनों आ जाएगी अनुसूचित जनजाति की। अब देखिए, 0 से 6 माह कि बालिकाएं कितनी हैं, अब यहाँ पर बालिकाओं की संख्या लिख दीजिएगा। यहाँ पर बालक कितने हैं, 0 से 6 माह के बालकों की संख्या लिखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 6 माह से 1 वर्ष के बालिकाएं कितनी हैं और बालक कितने हैं, दोनों की संख्या लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, 1 से 2 वर्ष तक की, 1 वर्ष से लगाकर आपको 2 वर्ष तक के अब यहाँ पर बालिकाओं की संख्या लिखनी है, यहाँ पर बालिका बालक के संख्या लिखनी है। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालक बालिका की संख्या और बालक की संख्या दोनों की आ जाएगी। अब देखिए, 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिकाएं दोनों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। पहले आपको बालिका की संख्या लिखनी है, फिर आपको बालक की संख्या लिखनी है। ध्यान आपको बहुत ही ज़रूर रखना है फ्रेंड्स, सावधानी बहुत ही आपको रखनी है। 5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक बालिका की जो संख्या है वहाँ लिख देनी है आपको, सितंबर माह तक की। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बालक की संख्या लिख देनी है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है अनुसूचित जनजाति SC की, अब जानकारी देना है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाएं कितनी थी, उनकी यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है। यहाँ पर धात्रिक माताएं कितनी थी, अब धात्रिक माताओं की संख्या लिख देनी है। ओके, अब देखिए, अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं दोनों की संख्या लिखनी है। अब देखिए, यहाँ पर सितंबर माह तक की लिखना है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर 0 से 6 माह तक की बालिकाएं कितनी थी, अनुसूचित जनजाति की बालिक और बालिकाओं दोनों की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। अब देखिए, 6 माह से 1 वर्ष की बालिका और बालक दोनों की संख्या लिख देनी है। अब देखिए, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की बालिका और बालक दोनों की, अनुसूचित जनजाति की दोनों बालक बालिकाओं की संख्या लिख देनी है। यहाँ पर 2 से 3 वर्ष की दोनों की लिख देनी है। यहाँ पर 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालिका और बालक दोनों की संख्या आ जाएगी।
यहाँ पर 5 से 6 वर्ष दोनों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए पिछड़ा वर्ग की बात करें ओबीसी की, ओके, यहाँ पर ओबीसी की गर्भवती सितंबर माह की गर्भवती महिलाएं कितनी हैं, सितंबर तक की, ओके, सितंबर तक की यहाँ पर आ जाएगी जानकारी। अब यहाँ पर देखिए धात्रिक माताओं की संख्या आ जाएगी कितनी है, सितंबर तक की कितनी धात्रिक माताएं आ चुकी है। अब देखिए पिछड़ा वर्ग की बच्चों की संख्या आएंगी, बालक बालिकाओं की पिछड़ा वर्ग की। अब देखिए यहाँ पर आपको सेम स्टेप से फॉलो करनी है, यहाँ पर देखिए 0 से 6 माह तक की बालिका और बालक दोनों की संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 माह से 1 वर्ष की बालिका और बालक दोनों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बालिका और बालक दोनों की संख्या आ जाएगी। अब ध्यानपूर्वक भरिएगा, अब 2 से 3 वर्ष के बालक बालिकाओं की संख्या आएगी, यहाँ पर 3 से 5 वर्ष के बालक बालिकाओं की संख्या आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 5 से 6 वर्ष की बालिका और बालक दोनों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए अन्य हो, आपके यहाँ पर अन्य हो तो आप अन्य की जानकारी भरिएगा, अगर नहीं हो तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब पूरी जानकारी भर देने के बाद यहाँ पर देखिए सुरक्षित करें, इस वाला ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्या है, आपको सुरक्षित कर देना है। ओके फ्रेंड्स, पूरी जानकारी को आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि वह सही है, आंकड़े सही है या गलत तो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, पूरी जानकारी को आप चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और पूरी जानकारी आप सुरक्षित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे माह के दौरान जन्म, मृत्यु और नए पंजीयन का विवरण भरेंगे। देखिए यहाँ पर किनकी जानकारी भरना है, देखिए नए बच्चे जन्मे बच्चे की जानकारी भरनी है, मृत कितने हुए सितंबर माह तक के मृत बच्चे कितने हैं, ओके, और नए पंजीयन का विवरण भर देना है। अब आता है सूक्ष्म पोषण तत्व अनुपूरण, ओके, यहाँ सूक्ष्म पोषण अनुपूरण की जानकारी भर देनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सामुदायिक गतिविधियाँ मंगल दिवस की जानकारी भरनी है फ्रेंड्स, मंगल दिवस की जानकारी यहाँ पर आपको भर देनी है। यहाँ पर देखिए ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस की गतिविधियाँ, ओके, यहाँ पर कितनी गतिविधियाँ की गई है उनकी संख्या लिखनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर लालिमा योजना की पूरी जानकारी आपको भरनी है, संख्या लिखनी है। यहाँ पर किशोरी बालिका योजना, उनकी संख्या लिखनी है। उदित योजना, बच्चों की पोषण स्थिति की पोषण स्थिति की जानकारी यहाँ पर भरनी है फ्रेंड्स, संख्या लिखनी है। पोषण पुनर्वास की जानकारी यहाँ पर भरनी है आपको। अब देखिए यहाँ पर गृह भेंट जिन परिवारों में जाकर संपर्क किया गया है, कितने परिवार के यहाँ पर संपर्क किया गया है उनकी जानकारी यहाँ पर, संख्या लिखनी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गर्म पका भोजन एवं नाश्ते का विवरण भरना है, आपको संख्या भरनी है। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पर तो आप ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरक पोषण आहार एवं हितग्राहियों की संख्या भर दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको पूरक पोषण आहार की आपके सितंबर माह तक के पूरक पोषण आहार के विवरण की जानकारी भरनी है। और यहाँ पर देखिए शाला पूर्व शिक्षा की जानकारी भर देनी है आपको। आप यहाँ पर मातृ वंदना योजना के फार्म कितनी आए उनकी संख्या एंटर कर देनी है, कितने संख्या है सितंबर माह तक के कितने फार्म आ चुके हैं। अब देखिए विभाग की अन्य जानकारी से संबंधित यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको वह जानकारी आप ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको भर देनी है। अब यहाँ पर स्टॉक का विवरण, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है फ्रेंड्स, वह जानकारी आपको यहाँ पर संख्या भर देनी है, कितना स्टॉक आपके पास, कितने पैकेट आपको बच चुके हैं उसकी जानकारी भरनी है। यहाँ पर टेकम होम राशन का विवरण भर देना है आपको, टेकम होम का राशन। अपन यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सौर्य दल सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों व उपलब्धियों की जानकारी, ओके, यहाँ पर संख्या भरनी है सौर्य दल वाले की संख्या। अब देखिए भवन निर्माण का कार्यक्रम किया गया तो उसकी जानकारी आपको भर देनी है। पूरी जानकारी भर देने के बाद एक देखिए प्लस वाला आइकन यहाँ पर भी आता है, आंगनबाड़ी केंद्र की बात, यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी केंद्र की कुछ बात रखना है। ओके फ्रेंड्स, कुछ बात का मतलब कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ समस्या आती हो, कुछ भी हो,
या फिर उसके ऊपर फीडबैक देना है फ्रेंड्स। ओके, इस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक एमपीआर भरेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।